प्यारे बच्चों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नवोदय विद्यालय समिति का स्कूल खुलने को लेकर। जी हाँ बच्चों, आप सभी को पता है जब से COVID-19 यानी कोरोना वायरस आया था तब से नवोदय विद्यालय के जो सभी स्कूल से सभी भारत में सभी स्कूल बंद हो गए थे काफी टाइम के लिए, और अभी भी नवोदय विद्यालय के जो स्कूल है वो खोले नहीं जा रहे हैं। तो उसको लेकर नवोदय विद्यालय समिति ने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। अगर आप 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, या 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, तो आपको 6th, 7th मतलब 3rd तीन क्लासों को, तीनों कक्षाओं को नवोदय विद्यालय में बुलाया जा रहा है। ठीक है, जो पहली कक्षाएं थी 10, 11, 12 वो तो पहले से ही नवोदय विद्यालय समिति में जा रहे हैं। ठीक है, और जो पहली क्लास वाले हैं उनको भी बुलाने का फैसला ले लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर आखिरकार कब बुलाएगी नवोदय विद्यालय समिति स्कूल में, तो देखिए करंट अपडेट की मैं आपको राय देता हूं कब तक आने वाली है। ठीक है, देखिए जो आप सभी को कब बुलाया जा रहा है, देखिए 15 नवंबर को सभी मतलब पूरे भारत में जो नवोदय विद्यालय है वो खुलने वाला है। मतलब 6 से 8 तक बच्चों को बुलाया जाएगा जो नवोदय विद्यालय कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कब, 16 या 15 नवंबर को आप सभी को इसको बुलाया जाने हैं। ठीक है, नोटिस जारी हो चुका है, 15 या 16 नवंबर को आप सभी को नवोदय विद्यालय में बुला लिया जाएगा। अब देखिए कुछ राज्यों में देखिए इन्फॉर्म कर दिया गया, बट अभी ऐसा हुआ है कि देखिए कुछ जिलों के मतलब जहां पे छोटा नवोदय विद्यालय मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मानना ऐसा है, पेरेंट्स का मानना ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं कि अभी तक COVID-19 नहीं गया है तो वहाँ पे अभी तक स्कूल नहीं खोला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का खुलेगा, यानी देखिए जब भी स्कूल खुलेगा मतलब आपको 13 या 14, 16 को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मतलब जो भी आपके स्कूल के हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, वहाँ पे आप सभी को एक नोटिस भेज दिया जाएगी, आपको स्कूल में आना, इन्फॉर्म करवा दिया जाएगा सभी को टाइम टू टाइम। ओके, और देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी पूरे भारत में खुल ही गया है, मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय 6 से 9 तक खुल गया है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखिए ये एक अपडेट निकल के आ रही जो कि नवोदय विद्यालय समिति ने जारी की। एक यूट्यूब चैनल है जो कि काफ़ी अच्छा यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनका भी चैनल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6-2 के लिए तैयारी के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट बुक है। अब इस बुक की खास बातें जान लीजिए। इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा और प्लस नवोदय विद्यालय का जो नंबर 1 यूट्यूब चैनल है ऑलराउंडर BSH के द्वारा बनाया गया। तो इस बुक की सबसे बढ़िया जो खास बातें जानने वाली हैं वो सबसे पहले सुन लीजिए, इस बुक को आपको क्यों खरीदना चाहिए। इस बुक में आपको 2014 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी नवोदय विद्यालय के पेपर हुए थे उन सभी का सॉल्वड पेपर हल प्रश्न पत्र आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा इस बुक में आपको 6 प्रैक्टिस सेट और उसके साथ साथ इस बुक में आपको 2022 का क्लास 6 का नया सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप इस बुक के साथ प्रैक्टिस सेट और भी अच्छे से करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा क्लास 6-2022 के लिए प्रैक्टिस सेट भी बना दिए गए हैं, और इस बुक के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट को भी खरीद सकते हो अपनी अच्छी तैयारी के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट और नवोदय विद्यालय का बुक खरीदना है चक्षु पब्लिकेशन का, तो वीडियो के नीचे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए और जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। 15 से 16 नवंबर के बीच में आप सभी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से खुल जाएगा और आप स्कूल में जा पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसा पता चलेगा, तो देखिए जो नवोदय विद्यालय में जिनका सिलेक्शन हो चुका है मतलब 6, 7, 8 उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी काफ़ी टाइम से, आप सभी को पता है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोटिस करवा देंगे वो। और देखिए हर एक जिले का खुलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही नवोदय विद्यालय समिति खुलेगी पूरी तरह से, जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल खोले जाएंगे। तो देखिए ये छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था सबसे पहले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।